हेलो फ्रेंड्स, पेपर को पहले आप रफ़ कर लेंगे और उसके बाद उस पर धीमे धीमे से कलर डाल देंगे। अब कलर को सूखने के बाद आप नेक्स्ट टोन पे काम करना चालू करेंगे जब वो पूरी तरीके से सूख जाता है। अगर वो सूख गया है तो नॉर्मल सी बात है, पेपर पे वो शाइन अलग करेगा। उसके बाद आप हल्के हल्के ब्रश से उस पर बादलों का इफ़ेक्ट दीजिएगा। बादल ऊपर की तरफ चौड़े हो जाएंगे और नीचे की तरफ छोटे हो जाएंगे। ये इफ़ेक्ट सिर्फ दूरी के लिए होगा कि आप चित्र में दूरी परफेक्ट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। ये इसी के थ्रू आप दूरी और पास की गहराई का दिखा सकते हैं। उसके बाद आप माउंटेन बना सकते हैं इस तरीके से। माउंटेन एक प्लेन शेप में बनाइएगा और दूरी का ज्ञान इसमें हो जाएगा बकायदा। फिर ज़मीन के लिए, धरातल के लिए जो आपको देना है उसमें एक लाइट टोन आप दे दीजिए, पूरी लाइट टोन दे दीजिए। उसके बाद अब अगर जैसे ग्रास देना है, घास देना है तो हल्की हल्की घास देनी है। वो घास दे के मतलब मोटा मोटा काम आपको पहले कर लेना है और जो छोटा छोटा काम होता है जैसे बारीक काम होता है जिसको फिर लास्ट फिनिशिंग देना, वो आप बात को उसमें निकाल सकते हैं। चित्र उतना ही अच्छा बनेगा जितना उसमें बारीक काम किया गया होगा। ये पेपर मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि आप बेस सीख लें। किसी भी चित्र को बनाने से पहले बेस का जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेस आप जान जाते हैं तो फिर चित्र उतना कठिन नहीं रह जाता। अब इसके बाद हम ग्रीन सूखे पेड़ पे काम करेंगे क्योंकि कोई एक इम्पैक्ट तो होना चाहिए बीचों बीच, तो उस इम्पैक्ट के लिए हम इस पे काम करेंगे कि हल्का सूखा पेड़ बना देंगे। आप बिल्कुल देखो दूरी का है तो उसमें बिल्कुल बारीक काम नहीं करना कि वो बिल्कुल इफेक्ट ही दे ब्लैक रंग से। और जब पूरा सूख जाए तब याद रखिएगा, जब आप एक टोन मारते हैं तो पेपर पूरी तरीके से सूख जाए उसके बाद ही नेक्स्ट टोन मारिए। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।